इलाज के लिए खर्च मांगने पर बेटा बहू ने मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति अपने माता पिता को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसकी रिपोर्ट बुजुर्ग पिता ने अपने बेटा बहू के खिलाफ जय चौकी में दर्ज कराई है। सोमवार को चौकी पहुंचे छटीकरा निवासी बुजुर्ग राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि बीती रात उसने अपने बेटे निरंजन से अपना व बीमार चल रही उसकी माँ का इलाज कराने के लिए रुपए मांगे, तो उसने अपने पुत्र रिंकू व पत्नी कुसुम के साथ मिलकर उसकी और अपनी वृद्ध माँ की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग राम प्रसाद का कहना था कि उसके 3 लड़के हैं, उसने अपनी सारी जायदाद उन्हीं के हवाले कर दी ताकि बुढ़ापे में उसके पुत्र उसकी सेवा कर सके, लेकिन उसे क्या पता था कि बुढ़ापा आने पर उसे पेट भरने के लिए भी हाथ फैलाकर अपनों से ही भीख मांगनी पड़ेगी। उसे क्या पता था कि भीख मांगने पर उसे लाठी डंडे पड़ेंगे। रामप्रसाद का कहना था कि उसके साथ पहले भी बेटा वो मारपीट कर चुके हैं, वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या नाम बाबा आपका? राम प्रसाद शर्मा। बाबा यहाँ चौकी पे क्यों आए हैं? गोपाल प्रसाद शर्मा। यहाँ चौकी पे क्यों आए हैं आप? ग्रामपुर छटीकरा। चौकी पे क्यों आए हैं आज? सर रात को मार पूरी तरह। किसने मारा है? खर्चा देते नहीं, मेरे बड़ा लड़का है निरंजन सर, 3 लड़के हैं, एक तो बाहर गोगामा में रहता है, इसके 3 लड़के हैं, सब औरत मर्द सब घेर के घर में घेर लेते जब पिटाई करें। क्यों मारते हैं आपको? पैसा मांगते हैं इसलिए, घर घेर रखो पूरा, घर मैंने बनवाया, इसने तमाम जाया तो बेच खा ली, मथुरा में 850 का जगह, छटीकरा में ही और जगह बेच गई। भेज दी? अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आपको रोटियों के लिए पैसे भी नहीं देते, खाना खाने के लिए तक के पैसे नहीं देते हैं। खर्चा नहीं देंगे तो कहाँ से दवा दूरी चले, मर्द औरत दोनों बीमार हैं। आपकी मिसेज भी है, घरवाली है आपकी? घरवाली के फूरा है गली में बहुत इतनी बार, और अर्ध पागल है। अर्ध पागल है तो आपको खाना पीना देते हैं आपके बेटा बहू? खाना पीना बोली बना लेती है, जब बेटा बहू नहीं देते हैं खिलाने? नहीं तो अपने मरोगे। बेटा बहू खाना नहीं देते हैं आपको? नहीं देते। नहीं देते हैं? खर्चा तो देना मुश्किल। आज आपने खर्चा मांगा इसलिए, आपके साथ मार पिटाई कर दी है सर? इसके कई चांस होंगे, एक बार और दारू पी के कांच की बोतल मारी मेरे सिर पर ठड़ो धोके, फिर मैंने हाथ पुल कर बनी, फिर मैं रिपोर्ट लिखाई मायावती में 11 काम किया है।